ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस ध्यान योग या अष्टांग योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया था किस प्रकार से अपने प्राण को आत्मा को धीरे धीरे मूलधार चक्र से ऊपर उठाना है और ब्रह्मा रंध्रा यहाँ से लेकर के आत्मा इस शरीर का त्याग करके ऊपर की तरफ जाती है। तब वो बताते हैं कि इस प्रकार से इस शरीर को छोड़ने के पश्चात हमें अनेकों प्रकार के जो प्रलोभन होते हैं रास्ते में जाते हुए, जैसे उच्च लोकों में जाने पर हो सकता है कि व्यक्ति भटक जाए और भटकने के बाद में वो सोचे कि कुछ समय तक मैं तपोलोक में रह लेता हूँ या फिर सत्यलोक में रह लेता हूँ, जनलोक में रह लेता हूँ, महरलोक में रह लेता हूँ। ये सब जो हैं स्वर्ग लोक हैं, ऊपर के लोक हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है भटक सकता है या फिर व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार की सिद्धि प्राप्ति करने के पश्चात सोचे कि अब मैं सफल हो गया हूँ, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो बताते हैं अगर व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर सकता है तब आत्मा क्या करेगी, यहाँ से निकलेगी और निकलने के पश्चात इस ब्रह्मांड की जो सात परतें हैं, लेयर्स जिसे बोलते हैं, इन सातों परत लेयर्स को भेद करके ब्रह्म ज्योति तक जाएगी। ब्रह्म ज्योति को पार करने के पश्चात अनेकों वैकुंठ लोक हैं, वहाँ पर आत्मा जाती है और भगवान के साथ इन अनेकों लोकों में आत्मा जो है भक्ति के साथ, प्रेम भक्ति के साथ सेवा में जुड़ जाती है। तो ये जो कार्यक्रम उन्होंने जो बताया ये बिल्कुल प्रामाणिक है, वेदों के अंदर में दिया है, लेकिन कलयुग के अंदर में ये आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है और एक तरफ से देखा जाए तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवद गीता में जब भगवान ने अर्जुन को भी ध्यान योग के बारे में बताया तो अर्जुन ने भी कह दिया कि ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो कलयुग के अंदर में आत्मा किस प्रकार से शरीर का त्याग करके भगवत धाम तक वापस जा सकती है, इसका वर्णन भी वेदों में किया गया है और वो तरीका अत्यंत सरल है। उसे एक बच्चा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, कोई भी भगवान की भक्ति में भाग ले सकता है। इस प्रकार से जो ध्यान योग का जो रास्ता है, मार्ग है, वो अत्यंत कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु इसका बड़ा सुंदर विवरण देते हैं, भक्ति योग के द्वारा आत्मा संसार से बाहर कैसे निकलेगी
और आध्यात्मिक लोकों में वो प्रवेश कैसे करेगी और वहाँ पर जाने के बाद भगवान की भक्ति में कैसे लगेगी। तो क्या बताया जाता है, ये जो बाकी के जो मार्ग होते हैं ये इनडायरेक्ट हैं, अप्रत्यक्ष हैं, डायरेक्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग में एक इमारत है, उसमें आपको 100 फ्लोर पर जाना है, 100वां जो नंबर का जो वहाँ पर फ्लोर है वहाँ पर आपको जाना है। तो एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, स्टेप से जा सकते हैं, पहले फ्लोर गए फिर सेकंड फ्लोर तक चढ़ना फिर थर्ड फ्लोर तक, इस प्रकार से ग्रेजुअली धीरे धीरे शनै शनै हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं, एक ये रास्ता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिफ्ट में जा सकते हैं। लिफ्ट में अगर आप सीधा ग्राउंड फ्लोर से 100th फ्लोर आप जो है उसमें लिखते हैं कि मुझे 100th फ्लोर का बटन दबाते हैं तो कहीं पर भी नहीं रुकेगी, सीधा 100वें फ्लोर पर 100th फ्लोर पर वो पहुंच जाएगी, आप वहां पर उतर सकते हैं। तो वो आसान भी हो गया और बड़ा ही तेज भी है, आप जो है जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अष्टांग योग आप अपनाएंगे अपने जीवन में, ये सारा जीवन भी लग जाएगा, अगले बहुत सारे जीवन भी लग जाएंगे, तब भी हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य तक वो 100th फ्लोर अगर हमें पहुँचना है वहाँ तक ना पहुँच पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भगवान की भक्ति डायरेक्ट प्रोसेस है, प्रत्यक्ष रूप का कार्यक्रम है। अब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, वेदों में क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु उसके बारे में क्या बताते हैं। वो कहते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें भगवान के शुद्ध भक्त का संग करना है। भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, आदौ गुरु आश्रयम, आदौ मतलब सबसे पहले भगवान के अगर शुद्ध भक्त का हमें संग प्राप्त हो जाता है, भक्ति का बीज हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे गार्डन के अंदर में बीज आता है, आपने देखा हो कई बार हवा में उड़ करके आ जाता है और धरती में रोपण हो जाता है, बाद में आप उसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति कैसे प्रारंभ होती है, एक बीज के रूप में प्रारंभ होती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी। वो बीज कैसे मिलेगा, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा। हम उदाहरण देख सकते हैं नारद मुनि का, नारद मुनि जो हैं शुरू से भगवान की भक्ति में नहीं थे, लेकिन वो एक दासी पुत्र थे और महान भगवान के संत उनके घर पर आते थे, उनकी सेवा करने के बाद उनके हृदय के अंदर में भी भक्ति लता का बीज जो है उसका रोपण हुआ। तो ये जो है तरीका बताया जाता है। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु इस बारे में, वो कहते हैं ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जब कोई भाग्यवान जीव होता है, जिसका भाग्य खुल गया है, ब्रह्मांड में हम लोग भ्रमण तो कर रहे हैं, कभी हम नीचे के लोकों में जाते हैं, कभी पृथ्वी पर आते हैं, कभी ऊपर के लोकों में जाते हैं, अनेकों ब्रह्मांड में हम जन्म लेते हुए चक्कर में घूम रहे हैं। बाद में अगर हमारा भाग्य खुल गया है तो अगर हमारा सौभाग्य है तो महान भगवान के शुद्ध भक्त के दर्शन, उनकी सेवा, उनका संग अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे हृदय के अंदर में भक्ति का बीज जो है रोपण हो जाता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति एक लता के बराबर है जो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्रीपर बोलते हैं ना अंग्रेजी में उसे, क्रीपर बोलते हैं, बल्ली जो जिसे बताया जाता है। तो उसे क्या होता है, जमीन में आने के बाद वो धीरे धीरे सीड से, बीज से लेकर के छोटी होती है, बढ़ती है पेड़ के रूप में, और बाद में जो है वो बढ़ना प्रारंभ करती है। तो भक्ति लता बीज गुरु और कृष्ण, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त
और भगवान कृष्ण की प्रेरणा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर में भक्ति लता बीज उसका रोपण होता है। अब देखिए, बड़ा सरल तरीका है इसको समझने का। हमारे हृदय में अगर भक्ति लता का बीज आ गया है, हम अब उसकी देखभाल कैसे करें? अब आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर में मट्टी में आप जो है एक बीज लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तब आपको क्या करना है? रेगुलरली नियम अनुसार रोज आपको उसके अंदर में पानी डालना है, खाद डालनी है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है बीज धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा, बीज जो है छोटे पेड़ के रूप में उग जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? क्या आपको पानी देना छोड़ देना है कि भाई अब अंकुरित हो गया है, बीज डाला था, पानी डाला मैंने और बाद में अब उसमें पौधा बन गया है, उसके बाद क्या हमें पानी डालना छोड़ देना चाहिए? नहीं, फिर भी निरंतर डेली हमें उसके अंदर में पानी डालना है। फिर क्या होगा? अब धीरे धीरे जो है ये बढ़ेगी। और हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा सावधान भी रहना है। जब पेड़ छोटा होता है, कोमल होता है, कोई पशु आकर के उसे खा सकता है, तब हम लोग क्या करते हैं? जब छोटा पेड़ होता है चारों तरफ फेंसिंग लगा देते हैं, है ना। और क्या करते हैं? आप रोज पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद में आप देखेंगे बहुत सारी घास भी साथ में उग जाती है, जिसे अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट, जिसकी जरूरत नहीं है, घास फूस जो होती है वो भी साथ साथ में बढ़ना प्रारंभ करती है। तब आप क्या करेंगे? आप पानी डालेंगे तो पानी उसको जो है घास फूस को बड़ा करेगा, आपकी जो भक्ति लता थी वो धीरे धीरे घटना शुरू होगी, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसका आगे बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि उसे नहीं मिल रहा है पानी। किसे पानी मिल रहा है? घास फूस को मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप जो है कुछ ले करके, खुरपी ले करके आप घास को बाहर निकालेंगे और उसको फेंक देंगे। और आपको क्या करना है? आपको जो है फिर भी लगातार उसमें जो है पानी देना है, खाद देनी है। अब धीरे धीरे ये लता बढ़ेगी और किसी जो है पेड़ का सहारा लेगी और बाद में उसके अंदर में फूल और फल खिलेंगे। तब आप जब वो फल पक जाएंगे तब आप उसको तोड़ सकते हैं और आप उसके स्वाद को चख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बताया गया है, भगवान की भक्ति एक बीज के रूप में हमारे हृदय में रोपण हो गई। अब हमें क्या करना है? डेली उसमें पानी डालना है, खाद डालनी है। वो क्या है? भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन। तो श्रवणम और कीर्तनम, ये जो है, चाहे वो भगवान के नाम का हो, भगवान की लीलाएं हो, भगवान की कथाएं हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भागवत में कहा है नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत सुननी चाहिए, 7 दिन नहीं मात्र। हम लोग एक सप्ताह लेकर के बैठ जाते हैं कि बस एक हफ्ता सुन लिया। अरे परीक्षित महाराज के पास में केवल 7 दिन थे, अन्यथा वो तो डेली सुन रहे थे, उनके पास में 7 दिन थे। अब हमारे पास में केवल 7 दिन थोड़ी हैं, तो हमें सोचना चाहिए नित्यम भागवतम सेवा, ये भागवत में बताया गया है। तो उससे क्या होगा? ये पानी के रूप में, खाद के रूप में हमारी भक्ति लता बढ़ेगी। और जैसे मैंने बताया था ना, उसको सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से फेंसिंग लगानी है। वो फेंसिंग क्या है? सत्संग की। आप भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे तब आपकी जो है भक्ति लता सूखेगी नहीं। आप अभक्तों के संग में रहेंगे, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, जिनको भौतिक चीज़ों में आसक्तियाँ हैं, तब आपकी जो है फेंसिंग नहीं रहेगी, कोई जानवर आकर के खा लेगा, है ना। तो हमें क्या करना है? सत्संग की चारों तरफ से फेंसिंग लगानी है। डेली पानी भी डाल रहे हैं आप, और आपको क्या करना है? अनेकों प्रकार के, मैंने बताया था ना, घास फूस उग जाती हैं जब आप पानी डालेंगे। वो घास फूस क्या है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है सूक्ष्म,
और एक होती है ग्रॉस जिसे बोलते हैं स्थूल। स्थूल इच्छाएं किस प्रकार की होती हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मुझे मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, मुझे अर्थ, मुझे धन दौलत चाहिए। ये सब व्यक्तियों को बाहर निकाल के फेंकना ये घास फूस के बराबर है। अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं और इन चीज़ों की इच्छा भी कर रहे हैं तो आपकी भक्ति कम बढ़ेगी, आपकी ये इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये वीड्स के बराबर है, इनको निकाल करके बाहर फेंकना है। और क्या इच्छा होती है, देखिए आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े भागवत प्रवचन देते हैं, उनकी क्या इच्छा होती है, मैं फेमस हो जाऊँ, मेरी लाइक्स फेसबुक पर बढ़ जाएँ, मेरी लाइक्स मेरे यूट्यूब वीडियो पर बढ़ जाएँ। लोगों की ये इच्छा होती है, उसे क्या बोलते हैं, ये सूक्ष्म प्रकार की इच्छाएं होती हैं। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी उपासना करें, वाह 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 बहुत बढ़िया करता है ना। तो इसे बोलते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सभी वैष्णव भक्तों में मैं सबसे प्रतिष्ठित हूं। तो इस प्रकार के जो गंदगियां हैं इनको निकाल करके फेंकना है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बताया जाता है, उसमें यह बताया जाता है अपराध हमें नहीं करने हैं, भगवान की भक्ति में जब हम कर रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध नहीं करने हैं। और इसके बारे में और अधिक चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 square feet मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।